हाय फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का। जैसा कि इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में स्टार्ट हुई, जबकि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में स्टार्ट हुई। इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 8 टीमें एक सीज़न में हिस्सा लेती हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें एक सीज़न में हिस्सा लेती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रांड वैल्यू की बात करें 47,500 करोड़, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की 3236 करोड़, मतलब 3,236 करोड़ है। इस तरह फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप किस टीम के ज़्यादा फ़ैन हैं, आप सपोर्ट करते हैं पीएसएल को या आईपीएल को, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मीडिया राइट्स की बात करें इंडियन प्रीमियर लीग के 16,348, 5 सालों के, 3 सालों के पाकिस्तान सुपर लीग के 250 करोड़। इस तरह अगर टाइटल स्पॉन्सर की बात करें, वीवो देता है 2199 करोड़ 5 सालों के, जबकि 3 सालों के एचबीएल ने पीएसएल को दिए हैं 40 करोड़। विनिंग प्राइस की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग की विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की विनिंग टीम को 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। जबकि रनर अप टीम की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग में 12.5 करोड़ मिलते हैं, जबकि रनर अप पीएसएल की टीम को 1.2 करोड़ रुपये मिलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें 17 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो हैं 1.5 करोड़ रुपए। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 263 रन हाईएस्ट स्कोर कर रखा है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का 214 हाईएस्ट स्कोर है। तो इस तरह अगर हाईएस्ट स्कोर प्लेयर के हवाले से बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से 175 स्कोर क्रिस गेल ने किया था, जबकि कराची किंग की तरफ से कोलन इंग्राम ने 127 रन स्कोर किया था। इन दोनों में से कौन सी बेस्ट लीग है, आप किस लीग को ज़्यादा पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।